हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू या डेंगू फीवर की, जो कि एक खतरनाक व जानलेवा स्थिति होती है। डेंगू आमतौर पर बरसाती मौसम में होने वाली इन्फेक्शस डिजीज़ है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर वह नॉर्मल फीवर में कितना अंतर होता है और डेंगू फीवर कितना नुकसानदायक होता है, क्या इसके लक्षण रहते हैं और डेंगू फीवर का बचाव और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेंगू फीवर फीमेल एडीज एजिप्टी मच्छर के बाइट करने से फैलता है। डेंगू फीवर एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस को एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो स्वस्थ होता है उस तक पहुंचाया जाता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, DENV1, DENV2 व इसी प्रकार DENV3 व DENV4। ये सभी सीरोटाइप्स ह्यूमन टू ह्यूमन एडीज मच्छर की प्रजाति खास तौर पर एई व एजिप्टी के काटने पर फैलते हैं। डेंगू की जांच के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। यो दो प्रकार से होता है। पहला टेस्ट सिम्टम्स के 3 से 5 दिन के भीतर किया जाता है, इसे IgM टेस्ट यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M, व दूसरे टेस्ट के रूप में IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G। यो सिम्टम्स जब 5 से 10 दिन तक बॉडी में रहते हैं, यो टेस्ट तब करवाया जाता है। अब डेंगू के सिम्टम्स को जान लेते हैं। इस दौरान हाई फीवर, जिसको आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आई पेन, सिर दर्द, मसल्स पेन, हड्डियों में दर्द रहना, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, स्किन पर छोटे छोटे दाने आना जैसे सिम्टम्स आते हैं। डेंगू वायरस के शरीर में एंटर करने के बाद ये सब लक्षण दिखते हैं, परंतु सबसे घातक लक्षण है इस दौरान होने वाला फीवर। यह फीवर 3 टाइप से हो सकता है। पहला क्लासिकल डेंगू फीवर या साधारण डेंगू फीवर। इस टाइप का बुखार 5 से 7 दिन तक रहता है और ज़्यादातर डेंगू फीवर में यही फीवर रहता है। इस दौरान सिम्टम्स के तौर पर सिर में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, आई पेन, कमजोरी महसूस होना, भूख न लगना, गले में दर्द और अदर सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। डेंगू हीमोरेजिक फीवर या DHF। अगर क्लासिकल डेंगू फीवर के साथ नोज ब्लीडिंग, ब्लड विद स्टूल और मसूड़ों से खून आना जैसे सिम्टम्स दिखे तो यो DHF हो सकता है। तीसरे फीवर के तौर पर डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS। इस दौरान मरीज को बेचैनी रहना, फीवर होने पर भी स्किन का ठंडा रहना, चक्कर आना, पल्स रेट का कम ज़्यादा होना, BP लो रहना, ये सिम्टम्स DSS यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम के दौरान देखे जा सकते हैं। डेंगू पेशेंट में WBC यानी वाइट ब्लड सेल की कमी, प्लेटलेट्स की कमी व मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कमी इस दौरान देखने को मिलती है। इंटरनल ब्लीडिंग भी इस दौरान होती है। अब जानते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट की प्रोसेस को। जैसे कि लक्षणों से पता चलता है डेंगू एक घातक बीमारी है। डेंगू के लिए कोई फुल फ्लेज्ड वैक्सीन नहीं है। डेंगू से बचाव पूरी तरह से उस दौरान उस पर्सन के हाथ में रहता है कि आप इस दौरान क्या खा पी रहे हैं व कितना रेस्ट ले रहे हैं। इस दौरान कुछ खास बातें जो ज़रूरी हैं, जैसे रिबिल्ड योर इम्यून सिस्टम यानी अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखना, डॉक्टर द्वारा दी गई उचित दवा का सेवन करना, इस दौरान समय समय पर मेडिकल हेल्प लेना, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाना। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। जब हम बीमार होते हैं और इसकी काउंट में गिरावट आने से बॉडी में वीकनेस आ जाती है। टेक कंप्लीट टेस्ट। इस दौरान आराम करने की सख्त ज़रूरत होती है। डिहाइड्रेट होने से बचें। इस दौरान फ्लूड, जूस और
इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए। मेडिकली डेंगू के ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दी जाती है। इस दौरान लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है व एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन और डिहाइड्रेशन होने पर फ्लूड दिया जाता है व डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो डेंगू या डेंगू फीवर से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेडिको हेल्प यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।